आपने खूब सुना होगा उसको, खूब सुने, आपने सुना होगा, गुना होगा, लेकिन मैं प्रयास कर रही हूँ। अच्छा, प्रयास कर रही हूँ बन जाए तो बस बैठे बैठे आशीर्वाद दे दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी की ही कामना कर सकती हूँ। धुनाई फिल्मी धुनाई क्या आई? फिल्म वालों ने कहा कि तेरी काया कंचन कंचन पूजा
कौड़ी रतन, छोटा मोटा पुरस्कार, छोटी मोटी दक्षिणा से काम नहीं चलेगा। तो भोले बाबा बोले, तो क्या चाहिए, क्या चाहिए? के इच्छा मेरी भोलेनाथ, लंका दीजे मेरे हाथ, मुझे कौड़ी रतन से क्या लेना क्या लेना। और के काशी वाले तुम हो अविनाशी, के काशी वाले तुम हो अविनाशी, के स्वामी तुम तो हो मर घट के वासी, के स्वामी तुम तो हो मर घट के वासी, के तुम्हें राज भवन से क्या लेना क्या लेना। मूर्छित अवस्था में पड़े हैं और भगवान श्री राम को अपने पास बुलाया, भगवान श्री राम को अपने पास बुलाया, तो देखिए हो क्या रहा है, सुनिएगा। कहने लगे के सुन लो बेटे पिता क्यों लेटे। राम जी कहने लगे, पिताजी आप ऐसे क्यों लेटे हो, आखिर क्या कारण है जो इतने दीन अवस्था में, इतने कष्टमय अवस्था में आप पड़े हुए हो? तो दशरथ जी बोले, कहते हैं के सुन लो बेटे पिता क्यों लेटे, के तुमको ये काज दिया है, कर सकता। और जब मैं उन दो वचनों को हार गया हूँ राम, तो तुझे करना क्या है? दशरथ जी बोले कि राम तुझे करना क्या है कि वेश तापस विशेष उदासी, अपने इस वेश को छोड़ो, जो राजसी वेश है इसको छोड़ो, इसलिए कि वेश तापस विशेष उदासी और वर्ष 14 के बनो वनवासी, वेश तापस विशेष उदासी और वर्ष 14 के बनो वनवासी, क्योंकि तुम्हें राजभवन से क्या लेना जी।
कि अब अपना वेश बदलो और वनवासी बनकर इस राजभवन को त्याग दो, क्योंकि मैं वचनों को हार चुका हूँ, इसलिए अब तुम्हें राजभवन से क्या लेना। दादाजी ऊपर रावण भगवान शंकर से कह रहा है कि तुम्हें राजभवन से क्या लेना, और इधर देखिए दशरथ जी कह रहे हैं अपने पुत्र श्री राम से कि बेटा वनवासी हो जाओ, अब तुम्हें राजभवन से क्या लेना। अब देखिए अगली पंक्तियां क्या कह रही है, सुनिए कहना है। दादाजी सुनिएगा, बहुत ही बढ़िया बात है, एक मिनट के लिए ध्यान देके सुनिएगा, कहना है। उस समय दुर्योधन उस सभा में बैठे सभी लोगों से कहता क्या है कि सोचो मन में देवों से जन्मे एक कुल का आधार कहाँ है, और नापुर वंशी देव के अंशी प्राप्त हुआ ये मेरे चाचा के पुत्र कहाँ है, इसलिए कि नापुर वंशी देव के अंशी Yeah.
एक गीत आपकी ओर से बड़ा प्यारा सा आया है। तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे, तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे, ऐसा ही कुछ गीत आपने गाया है। ओ मेरे प्यार के बहारों के नजारे, आप मुझे गगन से प्याले आपने गाया। मुझे मुझे राजभवन से क्या लेना और तुम्हें भोलेनाथ रावण ने कहा तुम्हें राजभवन से क्या लेना, दशरथ जी ने राम से कहा कि तुम्हें राजभवन से क्या लेना। दीपमाला जी, जहां तक मैंने सुना है और पढ़ा है, महाराज दशरथ तो राम से बोलने के योग्य नहीं रहे, ना कुछ देख सके और ना कुछ बोल सके कि राम का वनवास हो गया। तापस वेश विशेष उदासी, किसने कहा है आप पढ़िए, लेकिन आपके भाव अच्छे हैं कि तुझे राजभवन से क्या लेना, बेटा बन चला जा। दशरथ कोई कहना था तो सुनेगा। भवन से क्या लेना, वस्त्रा ध्रुव, मौसी के तिरस्कार के बाद तपस्या करने चले गए और वहां ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप किया, मंत्र का जाप किया और साक्षात प्रभु का दर्शन हो गया। अब भगवान ने कहा ध्रुव मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, चलो तुम राज करो। मैं तो खुशी हूं कितना देखो, मेरे भी भाभी अब तो बड़े, मेरे भी भाभी अब तो बड़े, मेरे भी भाभी अब तो बड़े। दुनिया को सब देने आज सम्मुख ये मेरे खड़े, आज सम्मुख ये मेरे खड़े, आज सम्मुख ये मेरे खड़े। ऐ प्रभु, आप कहते हो कि भवन में रहकर के राज करो, अब रही न कोई आस, जब तुम खुद हो मेरे पास, अब मुझे सुपतन से क्या लेना। और आपने लगाई है कि मेरी आंखें थी ये प्यासी प्यासी, जिसमें दिखती थी कभी ये उदासी। भगवान मिलेंगे कि ना मिलेंगे, मेरी आंखें थी वो प्यासी प्यासी, और जिनमें दिखती थी मुझे कभी उदासी। ऐ प्रभु, अरे आपका दर्शन हो गया। ऐ प्रभु, आपने मेरी मनोकामना पूरी कर दी और आप कहते हो भवन को जाओ, अब मुझे के हमें राज, अरे हमें ताज और भवन से क्या।
कि महाराज दशरथ ने कहा कि तुम्हें भवन से क्या लेना। दीपक भैया अरे प्रयास कर रहा हूँ कि दशरथ ही कह रहे हैं कि तुम्हें इस भवन से क्या लेना। सुनेगा जिस समय पता चला कि महाराज दशरथ ने प्रण किया है, चारों तरफ कहलवा दिया है कि वो राम राजा बनेंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं, महाराज दशरथ सबसे मिल रहे हैं। छोटू भैया ट्रेवल को एक बोल कम कर दीजिए। बजे द्वार द्वार पे नौबत चाहूं और बजी है बधाई, चाहूं और बजी है बधाई, लेकिन मुझे और तो सब दिख रहे हैं लेकिन रानी रानी के कहीं नहीं दिख रहे। मैं ढूंढ रहा था इसको और तू ऐसे यहाँ पर है पाई, वहीं उसी जगह पर पहुंच गए। दादाजी सुनेगा आपको इन दो पंक्तियों में आनंद आएगा। आ जा उठ के सबके साथ, अरे राजभवन में चारों तरफ खुशियां हैं, राम राजा बन रहे हैं, आ जा उठ के सबके साथ राजा बने रघुनाथ। मुझे तो राजा राम को बनाना है, मुझे और जतन से